जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जा रहे हैं बैरियर टाउन फेस 7, 8 और 9 की तरफ, जो अभी जीटी रोड से हम सीधा जा रहे हैं और लेफ्ट साइड पर हो रहे हैं। अभी हम ऊपर चढ़ जाएंगे, तो ये चूँकि हिली एरिया है इसलिए आपको बार बार हम कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे, और ये काफ़ी अच्छा व्यू है इसी वजह से, हिली एरिया होने की वजह से। ये अभी हम लेफ्ट साइड पर हो रहे हैं और सीधा चलते हैं। अभी इनकी चेक पोस्ट आने लगी है। ये बैरियर टाउन की चेक पोस्ट आ गई है। अभी जैसे स्लो हो गए थोड़े से हम, यहाँ पर इनका बैरियर लगा हुआ है और ये अभी हम बैरियर टाउन में एंटर हो गए हैं। ये देखें, आपको काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा होगा। बैरियर टाउन की एक ख़ास बात है कि इन्होंने एक ग्रीनरी बहुत रखी होती है और हिली एरिया है, तो इसलिए और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा व्यू आता है। और आज का दिन भी, मौसम भी बहुत अच्छा है, इसलिए हमने कहा आज यहाँ पर हम विजिट करते हैं और ख़ुद इंजॉय करते हैं, साथ में आपको भी इंजॉय कराते हैं। ये देखें, अभी हम जैसे एंटर हुए हैं, ये इनकी मेन रोड है, डबल रोड जो सीधी जा रही है अभी बैरियर टाउन की तरफ। ये लेफ्ट साइड पर सारी इनकी मार्केट्स हैं, ज़्यादातर इसमें प्रॉपर्टी डीलर्स हैं क्योंकि मेन प्रॉपर्टी का बिज़नेस अभी यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा ब्रांड्स भी हैं जैसे मिनी माइनर्स, पारीजे, इस तरह से आपको मुख्तलिफ ब्रांड लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहे हैं। का बैरिया एवेन्यू एंड बैरिया हाइट्स 7 लेफ्ट साइड पर है। हम अभी सीधा चलते हैं। अभी बादल भी आए हैं, बारिश थोड़ी सी रुक गई है, लेकिन ये कि अच्छा व्यू है ओवरऑल। बैरियर टाउन फेस 7, 8, 9 काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी बड़ा एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अभी थोड़े से लीव्स गिरे हुए हैं रोड पे, जो अभी क्लीन कर देंगे। ये अभी काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी तो इस वजह से आ गए होंगे। अभी पहले हम आपको सिनेमा दिखाएंगे जहाँ पे हम अक्सर जाते हैं, यहाँ का बहुत अच्छा सिनेमा है। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं रहते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर आया करें। आजकल तो खैर लॉकडाउन की वजह से सिनेमा बंद है, लेकिन काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। सिनेमा के अंदर एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। हम अक्सर जब मौसम अच्छा होता है सैटरडे संडे को या बीच में भी कभी निकलते हैं राउंड पे फैमिली के साथ, तो सिनेमा आ जाते हैं, कोई तो मूवी अच्छी लगी हो तो देख लेते हैं। देखें, काफ़ी मार्केट्स बनी हुई हैं यहाँ पे और अभी हल्की हल्की सी धूप भी निकल रही है। ये देखें, राइट साइड से जो है रावलपिंडी से भी आप एंटर हो सकते हैं DHA के ज़रिए, और ये भी लेफ्ट साइड पे हम हो रहे हैं, सिनेमा की तरफ जा रहे हैं। अभी बाहर से आपको हम व्यू कराएंगे सिनेमा का कि कैसा है।
ये भी आगे जाके हमने लेफ्ट होना है, ये भी यहाँ से हम लेफ्ट हो जाते हैं। नाजिंग हम लेफ्ट हो गए। अभी लेफ्ट साइड पर और ये ऐड कर रहे हैं बीच में एरिया वैली टाउन में, ये सामने भी हम जा रहे हैं फेज 7 के अंदर, ये वैली टाउन फेज 7 में सैनमा की तरफ जा रहे हैं। ये आप देखें ग्रीनरी और लुक ओवरऑल कितनी अच्छी है यहाँ से। ये लेफ्ट साइड पर हमारे आ गया है सिनेमा। ये देखिए लेफ्ट साइड पर सिनेमा है हमारे, यहाँ पर हम अक्सर आते हैं। खैर अभी बंद है ये, देखिए हम यू टर्न ले लेते हैं। अब हम आपको बाकी के एरियाज पे लेके चलते हैं वैली टाउन के। अभी हम आपको बताते हैं मैकडोनल्ड और ग्रीन वैली किस साइड पर है, इधर से हम वापस अपनी जगह पर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मैकडोनल्ड और ग्रीन वैली। सिक्योरिटी चेक पोस्ट आ गई है, जैसे हम आगे एग्जिट कर देते हैं लेफ्ट साइड पर। नॉर्मली ये भी सुनने में आता है कि बैरियर टाउन जिस तरह से यहाँ पे लैंड एक्वायर करता जा रहा है, ये बैरियर टाउन जाकर पीछे से मोटरवे पे टच कर जाएगा, यहाँ से भी एक एंट्रेंस मोटरवे पे निकल आएगी। लेकिन देखें कब निकलती है, क्योंकि ये दरियाए स्वां के साथ साथ जा रहा है, तो दरियाए स्वां वहाँ पर भी आता है मोटरवे पे, अगर यहाँ उधर से निकले तो वहाँ से एंट्रेंस निकल सकती है इनकी।
चूंकि अभी ईद एक्सपेक्टेड है कि शायद कल हो या परसों हो, तो इसलिए इतना क्राउड नहीं है। ज़्यादातर क्राउड जो आया होता है वो दूसरे शहरों से आया होता है, तो इसलिए लोग चले जाते हैं। और साथ में लॉकडाउन भी है और रमज़ान में भी क्राउड कम ही नज़र आता है, वरना यहाँ पे काफ़ी क्राउड होता है। क्राउडी एरिया है ये, काफ़ी ट्रैफिक पाई जाती है इधर। ये वो PSO पेट्रोल पंप जो हम गए थे, ये देखें सामने जो है, यहाँ से DHA इस्लामाबाद से एक एंट्रेंस है जो इसको टच करती है, और ये शॉर्टकट है इस बैरी टाउन में एंटर होने का। ये अब हम वापस आ गए हैं सैनमा से मेन रोड पे ही, जो बैरी टाउन की मेन एंट्रेंस थी उससे आ रहे थे, तो सीधा रोड ये आती है ये वाली, ये इस पर हम आ गए हैं। बैरियर टाउन ने, चूँकि ये इन्होंने DHA और उन्होंने एंट्रेंस दिया है बैरियर टाउन को, तो उन्होंने आपस में एक कोलेब्रेशन किया है, और कुछ DHA का भी यहाँ पे आपको पोर्शन नज़र आएगा बैरियर टाउन के अंदर भी उनकी सोसाइटी का, क्योंकि आपस में डील हुई है। तो उन्होंने उसके एजेंट्स ने DHA को कुछ एरिया दिया है या क्या किया है, लेकिन ये कि यहाँ पर DHA का भी कुछ है। यहाँ से भी हम राइट ले लेते हैं, राइट लेके हम सीधा जाएंगे तो देखेंगे आपको मैकडोनल्ड नज़र आएगा। ये भी हम सीधा मेन एंट्रेंस से एंटर होके सीधी रोड इधर ही आती है, जो एंड होती है यहाँ पे मैकडोनल्ड आ जाता है। अभी देखें यहाँ पे हार्डीज है राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड पर बर्गर किंग और मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड का ड्राइव थ्रू है, पिज़्ज़ा हट है लेफ्ट साइड पर, और भी मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं यहाँ पे जो अंदर वाली साइड पे। राइट साइड पर KFC आ गया, और ये ग्रीन वैली है लेफ्ट साइड पर। अभी सारा कुछ थोड़ा स्लो है, लेकिन ये देखेंगे आप कि जो है ये ट्रैफिक है, लोग ग्रीन वैली में शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। तो ये भी हम यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं, आगे DHA की सोसाइटी को बन रही है जो इधर से एंट्रेंस आएगी, इधर से हमने यू टर्न ले लिया। ये लेफ्ट साइड पर भी एक प्लाजा बन रहा है, ये देखें राइट साइड पर मैकडोनल्ड है, लेफ्ट साइड पर KFC है, फिर बर्गर किंग है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पर हार्डीज है, और फिर राइट साइड पर आएगा पिज़्ज़ा हट। इस तरह मुख्तलिफ ब्रांड्स अंदर भी हैं, जो ये मेन पे ये वाले ब्रांड्स आ रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा, ये लेफ्ट साइड पे वो रोड है जहाँ से हम मेन एंट्रेंस से आए थे, जो बैरी टाउन में एंटर हुए थे हम GT रोड से। अब हम इधर से थोड़ा सा राइट साइड पे चलते हैं। अब बेसिकली ये जो GT रोड से आए थे, मेन रोड जो इसकी बैरी टाउन की, वो ये हल्का हल्का लेफ्ट पे टर्न होकर जा रही है, तो हम इसी पे अभी आ गए हैं। ये देखें आपको राइट और लेफ्ट साइड पर मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स और इस तरह से मार्केट्स नज़र आ रही हैं, इसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, काफ़ी ऑक्यूपाइड हो गया हुआ है ये एरिया। ये बैरी टाउन के अंदर जो है DHA सेक्टर F वो लेफ्ट साइड पर है, एक होटल ऊपर बन रहा है, ये देखिए हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये सामने अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये एक अभी होटल बन रहा है यहाँ पे काफ़ी बड़ा, पल कॉन्टिनेंटल का ब्रांड भी बैरी टाउन फेज 8 में आ रहा है। अब देखें यही है, ये कोई और होता है, इन्होंने अनाउंस किया आशु ग्रुप ने कि जो है इनका एक कंपनी के साथ मिलके यहाँ पे आ रहे हैं,
फेज एट में पॉल कॉन्टिनेंटल रावलपिंडी एक बन रहा जी। तो हम आगे चलते हैं इस पे, काफ़ी अच्छे इनके बेसिकली बेरी टाउन में आप देखेंगे एक सिमेट्री है और एक डिज़ाइन सारे मिलते जुलते होंगे, क्योंकि बैरियर टाउन ने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, कंट्रोल रखा हुआ है कि आप जो है अपनी मर्जी की आउटलुक नहीं दे सकते। इन्होंने एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन रखे हुए हैं, उनमें से आप कुछ सिलेक्ट करेंगे जिसकी वजह से ओवरऑल लुक यहाँ की अच्छी है, जिनका अच्छा डिसीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल लुक अच्छी है बैरियर टाउन की। क्योंकि आप देखें अगर नॉर्मल सोसाइटीज हैं उसमें कुछ गैदरिंग मिक्स हो जाती है, कुछ गांव से हैं कुछ सिटी से हैं, तो वो घर एक ही तरह के नहीं नज़र आते हैं, कुछ मिक्स हो जाता है और लोग कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है, वो अपने अच्छे वाले घर बेच के तो आगे निकल जाते हैं सिर्फ इस वजह से, दूसरी सोसाइटीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं। ये देखें अभी पूरा जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एरिया ले लिया बैरियर टाउन में, और हम आपको एक ओवरऑल लुक देंगे इसकी कि कहाँ तक चलेगी। ये PSO आ गया लेफ्ट साइड पर, ये देखिए राइट साइड पर और आगे कंस्ट्रक्शन होती जा रही है और ये आगे फैलता जा रहा है। अभी तो खैर ये स्टार्ट है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो गया बैरियर टाउन, ये रावलपिंडी से ज़्यादा बड़ा बैरियर टाउन है जो मैं इसको देख रहा हूँ। फातिमा जिना जंक्शन आ गया, हम अभी साइड से चलते हैं ताकि देख लें ओवरऑल कितना आगे तक चला गया बैरियर टाउन, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। ये देखिए राइट साइड पर ये रोड्स के लिए कटिंग कर रहे हैं, इसके बीच में जो दरियाए सवां चल रहा है, राइट साइड पे दरियाए सवां है जो आगे मोटरवे तक जाएगा, तो ये आगे ज़मीन लेते जा रहे हैं और ये आस्ता आस्ता कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि ये एक एंट्रेंस जो है यहाँ से मोटरवे पे भी निकल आएगी, जब मोटरवे पे एंट्रेंस निकल आएगी तो इस ज़मीन की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी लोग ट्रैवल करते हैं यहाँ से पेशावर रोड पे और फिर वहाँ से जाके एंटर होते हैं, तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट भी हो जाएगा अगर इनको निकल आया वहाँ पे मोटरवे पे एंट्रेंस, जो सुनने में आ रहा है कि हो जाएगा। ये हम अभी बैरियर टाउन के कॉर्नर्स की रोड पे चल रहे हैं, दरमियान में देखें सारा वो बैरियर टाउन के घर काफी हद तक बने हुए हैं, ये काफ़ी दूर भी देखे सारी आबादी हुई भी है लेफ्ट साइड पे अगर आप देखते हैं। घर बने हुए लेफ्ट साइड पर भी ना, अब आगे एरिया जो है वो इतना कंस्ट्रक्शन नहीं हुई भी नज़र आ रही,
यहाँ से हम यू टर्न ले लेते हैं, अभी आगे रोड इस साइड पर इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, हम यहाँ से थोड़ा यू टर्न ले लेते हैं।